assalamu alaikum grade 5 today we will learn lesson 3 of unit 4 how ice cream is made page number 22 i know students ice cream is your favorite so in this lesson we will learn how ice cream is made and packed at ice cream factory so let's read this interesting lesson

चोको आइसक्रीम फैक्ट्री के विजिट पे और मिस्टर अनवर उस फैक्ट्री के मैनेजर हैं स्टार्ट टूर हेयर उनका टूर यहाँ से शुरू होता है टू मेक आइसक्रीम यूनिट ईदर मिल्क और क्रीम और बोथ नीड शुगर एंड फ्रूट और अदर फ्लेवर्स आइसक्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए या तो दूध या फिर क्रीम या फिर दोनों और चीनी और फ्रूट या दूसरे जायके फर्स्ट द क्रीम इज हीटेड एंड द शुगर इज एडेड पहले क्रीम को गर्म किया जाता है और चीनी मिलाई जाती है वी मेक आइसक्रीम इन ह्यूज स्टील टब्स लाइक दिस वन हम बनाते हैं आइसक्रीम बड़े स्टील के टब्स में बिल्कुल इस जैसे शोन इन पिक्चर टू द मिक्सचर इज स्टर्ड बाई दीज इलेक्ट्रिक पैडल्स उस आमेजे को हिलाया जाता है इन बिजली के पहियों के जरिए देन फ्लेवर इज एडेड टू द मिक्सचर उसके बाद जायके मिलाए जाते हैं मिक्सचर में ईदर चॉप्ड फ्रूट इज एडेड और स्ट्रॉन्ग कॉफी और चॉकलेट सिरप या तो कटा हुआ फ्रूट मिलाया जाता है या फिर ज्यादा मकदार में कॉफी या फिर चॉकलेट का सिरप सिरप इज अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर सिरप मिक्सचर है चीनी और पानी का नेक्स्ट वी फ्रीज द मिक्सचर उसके बाद हम मिक्सचर को ठंडा करते हैं द टब्स आर पुस्ट इन टू द रूम टब्स को ले जाया जाता है ठंडे कमरे में द पैडल्स स्टिर ऑल द टाइम ये पैडल्स हमेशा घूमते रहते हैं एयर इज स्टेट इन द इन टू द आइसक्रीम मिक्सचर हवा को भी आइसक्रीम के मिक्सचर में मिलाया जाता है दिस ये हवा इस मिक्सचर को हल्का और नरम रखती है वैन इट इज वेरी कोल्ड द आइसक्रीम इज कट एंड वेट जब ये काफी हद तक ठंडी हो जाती है तो आइसक्रीम को काटा जाता है और इसका वजन किया जाता है द pieces आर passed into the द पैकिंग मशीन वेयर दे आर रैप्ड एंड बॉक्सड उसके बाद इन टुकड़ों को एक पैकिंग मशीन में से गुजारा जाता है जहां पर इनको पैक किया जाता है लपेटा जाता है कागज में और डब्बों में बंद किया जाता है दे आर देन पुट इन द कोल्ड रूम कोल्ड स्टोर एंड कैप्ट फ्रोजन उसके बाद इनको एक ठंडे स्टोर यानी कमरे में रख दिया जाता है और वहां पर इनको फ्रीज कर दिया जाता है that's the end of lesson on page number 22 now we will do exercise related to this lesson on page number 23 so let's do match the pictures 1 to 5 to the questions and answers a to e so students the pictures of all the things given in pre, page number given on page number 22 we will match with these dialogues

माइनस ट्वेंटी डिग्रीज टेम्परेचर है और इस औरत ने खास कपड़े पहने हैं क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ठंड है स्टूडेंट शी लुक्स लाइक शी इज गोइंग टू द साउथ पोल उनको देख के ऐसे लग रहा है कि जैसे वो साउथ पोल जा रही हैं। एक्चुअली साउथ पोल इज अ वेरी कोल्ड एरिया प्लेस कोल्ड साइट डायलॉग बी स्टूडेंट हाउ मच आइसक्रीम डज दैट टब होल्ड मैनेजर ईच टब होल्ड सिक्सटी लीटर्स ऑफ मिक्सचर दैट्स इनफ टू मेक सिक्सटी फैमिली साइज आइसक्रीम्स और थ्री हंड्रेड स्मॉल वन स्टूडेंट ने पूछा एक टब में कितनी आइसक्रीम है मैनेजर ने बताया कि हर एक टब में सिक्सटी लीटर्स हैं मिक्सचर के जिससे हम सिक्सटी फैमिली साइज आइसक्रीम्स बना सकते हैं या फिर तीन सौ छोटी सी स्टूडेंट डू यू मेक आइसक्रीम विथ एग्स माइम डज क्या आप अंडों के साथ आइसक्रीम भी बनाते हैं मेरी वालिदा बनाती हैं मैनेजर यू कैन मेक आइसक्रीम विथ एग्स बट वी डोंट आइसक्रीम अंडों के साथ भी बनाई जा सकती है लेकिन हम नहीं बनाते डी स्टूडेंट वट फ्लेवर्स डू यू यूज आप कौन से जायके इस्तेमाल करते हैं मैनेजर वी यूज लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स लाइक मैंगो बनाना स्ट्रॉबेरी गावा एंड मेलन बट वी आल्सो यूज अदर फ्लेवर्स लाइक कॉफ़ी और चॉकलेट मैनेजर ने बताया कि हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के ज़ायके इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैंगो आम केला इस्ट्रॉबेरी अमरूद और तरबूज उसके अलावा भी हम बहुत से फ्लेवर्स यूज़ करते हैं जैसे कि कॉफ़ी या चॉकलेट स्टूडेंट चॉकलेट माई फेवरेट चॉकलेट मेरा फेवरेटा है ई e, मैनेजर यू डोंट वॉन्ट द आइसक्रीम टू हार्ड डू यू मैनेजर ने कहा क्या आपको आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सख्त पसंद है स्टूडेंट नो इफ इट इज़ देन यू कॉन्ट लिक इट प्रॉपरली स्टूडेंट ने कहा नहीं अगर बहुत आइसक्रीम बहुत ज़्यादा सख्त हो तो आप उसको लिक नहीं कर सकते मीन्स आप उसको ज़ुबान के साथ टेस्ट करके नहीं खा सकते चाट नहीं सकते सो दैट्स द डायलॉग ई ए टू So, A number dialogue uh, is they are talking about picture number 5, B dialogue they are talking about picture 2, C dialogue they are talking about picture 1, D in this dialogue they are talking about picture 3, and E dialogue they are talking about picture 4. Write the number of pictures in front of these questions and answers. I hope you understood very well today this exercise. now the last exercise on page number 23 is there are written different steps that are used to make ice cream. now these steps you have to keep or you have to put number, correct number according to the sequence. heat ice cream, heat the cream one, add the chopped fruit two, chill and stir the mixture three, weigh or cut the ice cream four, Wrap box freeze the ice creams. 5. Inshallah, we will write the passive tense of these five sentences in your in our textbook, and also we will write the answers of the questions in exercise 3 in a fair copy. I hope you understood today's lesson very well and you had learned today how ice cream is made. Stay blessed, take care of yourself.